यदि आपको थकान रहती है, कमज़ोरी लगती है, सुस्ती लगती है, काम करने का दिल नहीं करता है, और जब आप बैठ करके खड़ी होती हैं तो आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। यदि ये समस्या आपके साथ भी हो रही है, तब आपको कभी ना कभी किसी ना किसी ने बताया होगा कि आपके शरीर में खून की कमी है। अब खून की कमी है तो एडवाइस बहुत सारी दी जाती हैं, जैसे मार्केट में बहुत सारे आयरन सिरप आ रहे हैं, आप किसी का भी सेवन कर सकती हैं। एक सिरप है डेक्सोरेंज, जिसका इस्तेमाल करने के लिए आपको दादी नानी भी बता देंगी। कोई भी आपको ये कह देगा कि डेक्सोरेंज सिरप पी लो, खून की कमी पूरी हो जाएगी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहाँ हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत से जुड़ी, फर्टिलिटी से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेक्सोरेंज सिरप के बारे में। डेक्सोरेंज सिरप के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए, कौन महिलाएं इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, क्या गर्भवती महिला इसका इस्तेमाल कर सकती है, क्या जो महिलाएं बच्चे को दूध पिलाती हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, और हमें इसका सेवन कैसे करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगी, यदि ये सिम्टम आपके साथ भी हैं तब आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहला सिम्टम है कि आप कुछ भी सामान रखती हैं और उसे रख करके भूल जाती हैं, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद भी याद नहीं आता है। दूसरा, आपके हाथों पैरों में सुन्नपन रहता है, ऐसा लगता है हाथों पैरों में जैसे चींटियाँ चल रही हों, आपके हाथ या पैर बहुत जल्दी सो जाते हैं, सुन हो जाते हैं, बहुत देर बाद आपको उन पर हाथ पैर मार मार करके उसे नॉर्मल करना पड़ता है, या आपको जब आप बैठी हैं और बैठकर खड़ी होंगी तो आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा, एकदम से ठंडे ठंडे पसीने आना शुरू हो जाएंगे, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। आपने एक अल्ट्रासाउंड कराया है और उसमें आपको हीमोग्लोबिन की मात्रा कम आई है, आपकी रिपोर्ट ख़राब है, HB कम है, आपकी रिपोर्ट में RBC की मात्रा भी कम है। यदि आपको ये सारे सिम्टम्स आते हैं तब आपको इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। भूल जाना, हाथों पैरों में सुन्नपन होना, बेचैनी होना, हाथों के तलवे पैरों के तलवे गर्म हो जाना, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा आना, हर वक्त थकावट सी रहनी, काम करने का दिल ना करना, लेटे रहने का मन करना, एकदम से गर्मी और एकदम से ठंड का लग जाना, यदि ये सारे लक्षण हैं तब डेक्सोरेंज सिरप का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अब इसका इस्तेमाल क्या प्रेग्नेंट महिलाएं कर सकती हैं? देखिए, डॉक्टर की एडवाइस से आप इसका यूज़ कर सकती हैं, यदि आप मेडिकल स्टोर वाले भैया की एडवाइस से कर रही हैं तब आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर को विज़िट करें, देखें क्या कंडीशन है, यदि आप हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लूज़ मोशंस नहीं हो रहे हैं, पेट ठीक है, तब डॉक्टर आपको बोल देंगे आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यदि ऐसा है कि आपको आयरन लेने से लूज़ मोशंस हो जाते हैं, आपका पेट अपसेट हो जाता है, तब डॉक्टर आपको कभी एडवाइज़ नहीं करेंगे कि आप कोई भी आयरन सिरप का इस्तेमाल करें, वो जो गोलियाँ देते हैं, टैबलेट्स देते हैं, आपको वही खानी पड़ेंगे। दूसरा, क्या वो महिलाएं जो बच्चे को दूध पिला रही हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं? तो जी नहीं, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। यदि आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर देते हैं तब आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब कुछ महिलाएं होती हैं वो खाली पेट इसका इस्तेमाल करती हैं, आपको इसे खाली पेट नहीं लेना है, नहीं तो लूज़ मोशन, दस्त लगने की प्रॉब्लम, पेट का अपसेट हो जाना, पेट के मूवमेंट्स बढ़ जाएंगे, हाथों में से आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, पेट में बार बार मूवमेंट्स होंगे, आपको लूज़ मोशन आएंगे, उल्टी लगेगी, जी मिचलाएगा, और जलन जैसी कंडीशन, गैस्ट्राइटिस जैसी कंडीशन आपको बन जाएगी। तो एम्प्टी स्टमक इसे नहीं लेना चाहिए। आपको सुबह में 2 चम्मच खाना खाने के बाद, नाश्ते के बाद, और शाम में खाना खाने के बाद 2 चम्मच लेने चाहिए। यदि आप दिन में 3 बार लेना चाहती हैं तो 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम आप ले सकती हैं। सुबह शाम लेंगी तो 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम आप इसका सेवन कर सकती हैं। अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग करें। यदि आपको कोई समस्या नहीं है किसी भी तरह की, बस आपको लगता है कि खून की कमी है और जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं ये सब आपको नज़र आ रहे हैं, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये ईजिली मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल हो जाता है, आप किसी डॉक्टर के पास से जाकर के ले तो भी ले सकते हैं, या आप मेडिकल स्टोर वाले भैया से भी
ले सकते हैं। बच्चों के लिए अलग आता है, बच्चों को इसका सेवन ना करवाएं, ये केवल मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, आपको बच्चों को इसे नहीं देना चाहिए। क्योंकि मेरे पास ओपीडी में ऐसे महिलाएं आती हैं, वो बोलती हैं ये सीरप रखा है घर में, आप दूसरा सीरप दे रही हैं, तो क्या मैं ये अपने बच्चे को पिला दूँ, उसमें भी खून की कमी है। तो ऐसा नहीं करना है, बच्चों के लिए अलग आता है, अलग स्ट्रेंथ अवेलेबल है, ये केवल महिलाओं की बात हो रही है। तो आपको इसे खाना खाने के बाद लेना है, प्रेगनेंसी में डॉक्टर की एडवाइस से, दूध पिलाते हुए डॉक्टर की एडवाइस से, अदरवाइज़ आप इसका सेवन कर सकती हैं। यदि आपको इनफर्टिलिटी की समस्या है, बांझपन की समस्या है और खून की कमी रहती है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। मैं आपको एडवाइस करूँगी डेक्सोरेन सीरप के लिए। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन डेक्सोरेन सीरप के बारे में आपको हेल्पफुल लगी है। यदि सीरप से रिलेटेड कोई भी सवाल है तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपके सवालों के जवाब देने की। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिल सके। धन्यवाद।